जाएगी आराम से। कोने में बहुत स्लिपरी है, कोने में मत जाना। अच्छा ये मुकाम पे ना एक शेर याद आ रहा है, इस मौके पे हमें एक शेर याद आ रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल दैट एंड फील कपल। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हम लोग पहुंच गए थे होटल, वी हैव चेक्ड इन एंड कमलेश ने चेंज भी कर लिया है, वेरी गुड। सो छोटा सा होटल टूर तो बनता है, रूम टूर, सॉरी नॉट इन होटल टूर। सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल रूम दैट वी हैव गॉट फॉर टू ऑफ देम। एसी इज़ देयर, हाउएवर इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, एंड साई यात्री करके होटल है, इट इज़ वेरी मच रिकमेंडेबल अगर आपको यहाँ पे आके रुकना है तो। द बेस्ट पार्ट इज़ I don't know how much वो दिखेंगे, yes। तो मंदिर जो है वो खिड़की के सामने ही है, so it is very much visible। so हर हर महादेव। and अभी फटाफट बाहर जाते हैं, थोड़ा explore करते हैं। त्र्यंबकेश्वर ऐसे हम बहुत बार आए हैं लेकिन हमेशा घाई घाई में आए हैं, और नंदी पे पहली बार आए हैं। बाइक पे ये हमारा फर्स्ट टाइम है, वैसे हम लोग फैमिली के साथ कार में आए हैं लेकिन ऑन बाइक इट वॉज़ द फर्स्ट टाइम। एंड ये हमारा एक ट्रेडिशन रहा है, जब ही भैरवी आई थी, भैरवी को हम लोग सबसे उसका पहला लॉन्ग राइड शिरडी लेके गए थे, तो वैसे ही नंदी जो आए हैं, नंदी को हम लोग ने फर्स्ट लॉन्ग राइड त्र्यंबकेश्वर डिसाइड किया था और लकीली वो हो गया है। तो अभी नंदी इज़ ऑफिशियली लाइसेंस्ड टू गो एनीवेयर फॉर अ लॉन्ग राइड, बिकॉज पहला राइड हम लोग जो है वो भगवान के दर के पास ही करते हैं भाई। और चलो आपको अभी त्र्यंबकेश्वर फुर्सत में घुमाते हैं, चले चले चले। ये इंसान को क्या बोलूँ, त्र्यंबकेश्वर में आके बोलता है रुद्राक्ष मिलेगा क्या इधर, मुझे जो रुद्राक्ष मिलता है वो मिला मुझे। तो ये ढूंढ रहे हैं नंदी रुद्राक्ष, अभी नंदी रुद्राक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने में मिलेगा देखते हैं बताते हैं। और कुल्लड़ वाली चाय पी रहे हम लोग, यूपी के बाद यहाँ पे मुझे कुल्लड़ वाली चाय मिली है, भूलने की हद होती है यार। मोबाइल कौन भूलता है, फ़ोन घर पे भूल गए हैं, घर पे नहीं सारी रूम में भूल गए हैं, लेने गए। ये भाई फ़ोन कौन भूलता है, मैं सुबह इतनी बड़ी राइड पे निकलने के टाइम पे वॉलेट भूल गया, तो फोन तो बहुत छोटी चीज़ है। नहीं फोन छोटी चीज़ नहीं है आजकल, आजकल फोन इज ओनली और वॉलेट। मैं भूल जाता है यार सब। टेल मी इफ यू अग्री। भूलने का रिकॉर्ड है अपना, इतना भी कायम मत करो, मुझे ना भूल जाओ किसी दिन। नहीं त्र्यंबकेश्वर शिवा ज्योतिर्लिंग मंदिर यह एक प्राचीन शिव जी का मंदिर है, यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। महाराष्ट्र के नाशिक शहर में एक छोटे से गांव त्र्यंबक में ये त्रिमुखी ज्योतिर्लिंग बसा हुआ है, जिसमें भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी शिव का रुद्र अवतार समाया हुआ है। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने समय काल में तकरीबन 400 से भी ज्यादा प्राचीन मंदिरों को तोड़ दिया था, उनमें से एक त्र्यंबक का यह भव्य मंदिर भी था। सन 1740 में पेशवा बालाजी राव यानी नाना साहेब पेशवा ने इस मंदिर को फिर से बनाया। इस मंदिर को पुनर्बनाने में करीब 31 वर्षों का लंबा समय लगा। यहाँ कई सारी पूजा कराई जाती है, जिनमें से सबसे अधिक होता है काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नाग बलि। श्रावण मास के सोमवार और महाशिवरात्रि के समय यहाँ का नज़ारा बहुत ही भावभक्ति भरा होता है। सारे ही भक्त ये त्यौहार और दिन अपने शिवजी में लीन होके मनाते हैं, और चारों ओर सिर्फ एक ही आवाज़ होती है, हर हर महादेव। गोदावरी नदी का स्थान पे शिव ने अपनी जटा पटक के उनका आगमन किया था। आइए आपको लेके चलते हैं उस स्थान पे जहाँ गंगोत्री यानी शिव से आगमन की गई गोदावरी का आगमन हुआ।